पाकिस्तान की हालत खस्ता है और कभी भी पाकिस्तान को दिवालिया घोषित किया जा सकता है। ऐसे में पाकिस्तान के पीएम कई देशों के दरवाजे पर जाकर गिड़गिड़ा रहे हैं और झोली खोलकर भीख मांग रहे हैं, जिससे पाकिस्तान की सांसें चलती रहें। लेकिन ये कब तक चलेगा और कैसे चलेगा ये नहीं मालूम। पाक जनता खून के आंसू रो रही है और लोग अपने बच्चों और परिवारों के लिए या तो सीने पर गोली खा रहे हैं या किसी को गोली मार रहे हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि कैसे हालात हैं और क्या कुछ हो रहा है पाकिस्तान में। आज पाकिस्तान में जो कुछ भी हो रहा है उस बात को भारत के एक बड़े नेता ने बहुत पहले ही बता दिया था, और उस वक्त जिन्ना जब पाकिस्तान का ख्वाब देख रहे थे और मुसलमानों के लिए एक अलग मुल्क की मांग कर रहे थे और इस बात को खूब जोर शोर से कह रहे थे, उसी वक्त मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने एक उर्दू पत्रिका को साक्षात्कार दिया था और चट्टान पत्रिका को इंटरव्यू में सब कुछ उन्होंने साफ साफ बता दिया था। जब इंटरव्यू लेने वाले ने पूछा कि यदि पाकिस्तान अस्तित्व में आया तो क्या गलत होगा आखिरकार, या मुसलमानों की एकता की रक्षा करेगा, आजाद ने इस सवाल के जवाब में तब कहा था कि सभी हिंदुओं को पाकिस्तान छोड़ना होगा, सभी मुसलमानों को पाकिस्तान में समायोजित नहीं किया जा सकता, लगभग 30 मिलियन को भारत में रहना होगा, उनके पास 3 विकल्प होंगे, पहला वो पाकिस्तान जा सकते हैं, दूसरा विभाजन के दंगे के शिकार हो जाएं, या वो हिंदू धर्म में परिवर्तित हो जाएं। आजाद ने आगे कहा कि पाकिस्तान पर बाहरी शक्तियों का नियंत्रण है, भारत को इससे कोई समस्या नहीं होगी क्योंकि वह पाकिस्तान की दुश्मनी पर लगाम लगाएगा। जिन्ना और लियाकत अली खान के निधन के बाद पूर्वी पाकिस्तान अलग हो गया या पश्चिमी पाकिस्तान को क्षेत्रीय संघर्षों और विभाजन के लिए खुला छोड़ दिया गया। अब मौलाना आजाद की कई बातें सच साबित हो चुकी हैं। पूर्वी पाकिस्तान अलग होकर बांग्लादेश बन गया और इसको आजाद भारत ने ही कराया। लगातार देश क्षेत्रीय संघर्ष से जूझ रहा है, वहीं उनकी ये भविष्यवाणी कि मुसलमानों के लिए पाकिस्तान छोटा पड़ जाएगा वो भी सच हो रहा है। विभाजन के बाद भी लाखों मुसलमानों ने पाकिस्तान की जगह भारत को चुना, उनकी एक और भविष्यवाणी पाकिस्तान को लेकर सच हुई जो उन्होंने कही थी कि बाहरी शक्तियों का उस पर नियंत्रण होगा। ये बात अब काफी हद तक साबित हो चुकी है। चीन पाकिस्तान में कई मामलों में हस्तक्षेप करता रहा है, पाकिस्तान आर्थिक तंगी से गुजर रहा है, वो दुनिया भर से भीख मांग रहा है। शहबाज शरीफ भारत तक से बातचीत करने की गुजारिश कर चुके हैं। पाकिस्तान के मौजूदा हालात ये हैं कि लोग जरूरी सामानों के लिए भी मोहताज हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि कैसे पाकिस्तान के बारे में हमारे पूर्वजों ने कहा और आज वो बात सच साबित हो रही है। जानकार कह रहे हैं कि पाकिस्तान की बुनियाद ही गलत पड़ी थी और जिन्होंने पाकिस्तान बनाया वो जल्दी चले गए या फिर रास्ते से हटा दिए गए। फिर क्या था, पिछले 75 साल से पाकिस्तान को सेना और नेता लूट रहे हैं और पाक जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। आज दशा क्या है आप देख ही रहे हैं। देखना होगा कि आगे क्या होता है और पाकिस्तान दुनिया के सामने भीख मांगते हुए और कितना नीचे गिरता है।